तो भगवद्गीता अध्याय 5 में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो कल के लिए मैं क्षमा चाहूंगा कि मैं कल कक्षा नहीं ले पाया। तो आज हम लोग 5वां अध्याय देखेंगे। इस अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योग। कर्म योग यानी कृष्ण भावना भावित कर्म। तो देखिए, ये जो अध्याय है ये और कुछ नहीं, अध्याय 3 जो हमने देखा था कर्म योग, उसी का विस्तार है। तो अगर आप देखेंगे अगर ध्यान से, तो भगवद्गीता को 3 भागों में बांटा गया है। तो 18 अध्याय हैं और 1 से लेके 6 जो अध्याय हैं वो कर्मयोग प्रधान है, 6, 7 से लेके 12 जो है वो भक्ति योग प्रधान है, और 13 से लेके जो 18 अध्याय हैं वो ज्ञान योग प्रधान है। तो अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं 1 से लेके 6 अध्याय जो है वो, उसमें कर्मयोग की ही बात जो है भगवान करेंगे। जो कर्मयोग, तो जितना कर्मयोग प्रधान यानी कि ज्यादा से ज्यादा कर्म के बारे में ही हम लोग को बताएंगे कि कर्मों के माध्यम से हम लोग कैसे भगवान से जुड़ सकते हैं, कैसे कर्म करते हुए भी हम लोग भक्ति कर सकते हैं। तो आइए इस अध्याय की शुरुआत करते हैं। अर्जुन उवाच संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संससी यच्चेयेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्तिपूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में कौन अधिक लाभप्रद है? तो देखिए, यहाँ पे अर्जुन फिर कंफ्यूज हो गए। क्यों? क्योंकि भगवान ने 3रे अध्याय में पहले तो कर्म योग करने के लिए बोला, 4थे अध्याय में बोल रहे हैं ज्ञान का मार्ग अपनाओ, तो अब अर्जुन बोल रहे हैं कि कर्म योग या कर्म संन्यास। क्योंकि क्या है, जैसे अर्जुन को क्या लग रहा है, अर्जुन को ये लग रहा है कि मैं युद्ध करूं या फिर मैं ज्ञान लूं, दोनों में से एक ही कार्य कर सकता हूं। मतलब अर्जुन अर्जुन कंफ्यूज हो गए, वो उलझ गए कि मैं दोनों कार्य कैसे कर सकता हूं। यहाँ अर्जुन क्या समझ रहे हैं कि अगर वो भक्तिमय कार्य करेंगे यानी कर्मयोग करेंगे तो वो युद्ध नहीं कर पाएंगे, और अगर वो युद्ध करेंगे तो कर्मयोग नहीं हो पाएगा उनसे, भक्तिमय कार्य नहीं हो पाएंगे। तो वो करे तो करे क्या, अर्जुन ये बोल रहे, तो मैं करूँ तो करूँ क्या, मेरे लिए अधिक लाभप्रद है क्या, आप ये आप ही बताइए। तो देखिए, यही हम भी सोचते हैं कि अगर हमें भी अगर ज्ञान लेना है या भक्तिमय कार्य, मतलब भक्तिमय कार्य करना है यानी कर्म योग करना है, तो उसके लिए सब कुछ छोड़ना होगा, ऐसे हम लोग भक्ति नहीं कर पाएंगे, सब कुछ त्यागना होगा हमें। देखिए, लोग क्या सोचते हैं कि ज्ञान का मतलब क्या है, सब कुछ त्याग देना यानी कि वैराग्य। वैराग्य यानी कि सब कुछ त्याग के एकांत में चले जाना। तो आपने देखा भी होगा कि जो कुछ ज्ञानी लोग होते हैं जिनको दिव्य ज्ञान प्राप्त तो हो गया होता है, वो क्या करते हैं, वो सब कुछ त्याग के एकांत में चले जाते हैं और वहीं बैठ के जो है वो क्या करते हैं, भगवान नाम भजन करते हैं। लेकिन कुछ ज्ञानी ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं, जब उन्हें ज्ञान प्राप्त तो हो जाता है तो वो क्या है, भक्ति में लग जाते हैं। तो आप देखेंगे जितने भी स्कॉन में जो सन्यासी हैं वो सब क्या हैं, वो सब ज्ञानी हैं, लेकिन वो सब क्या कर रहे हैं, भक्ति में लगे हुए हैं, वो क्या है, प्रचार कर रहे हैं। तो वास्तविक सन्यास प्रभुपाद जो बताते हैं वही है कि सभी के बीच में रहते हुए भगवान के नाम का प्रचार करना, ना कि एकांत में जाके अपने आप का फायदा ढूंढना, जबकि सभी को फायदा पहुंचाना ही वास्तविक सन्यासी कहलाएगा। वही सन्यासी होगा जो कि वास्तविकता में क्या करेगा, अपने कर्म फलों का त्याग करेगा और सिर्फ सिर्फ किसके लिए कार्य करेगा, भगवान के लिए, भगवान की खुशी के लिए। तो वो कैसा हो जाएगा, वो कर्म योग कर्म संन्यास दोनों साथ में हो जाएगा। तो आपने देखा भी होगा कि अधिकांश लोग क्या करते हैं, अधिकांश लोग जो है किस में लगे रहते हैं, भोग में लगे रहते हैं और फिर त्याग में लगे रहते हैं, पहले भोग करते हैं फिर त्याग करते हैं। जैसे उदाहरण देता हूं मैं आपको कि जैसे किसी को अगर भूख लगती है तो वो क्या करता है, भूख लगी तो बहुत ज्यादा खा लेगा, तो इतनी तीव्रता से भूख लगती है, जितनी तीव्रता से भूख लगती है उतना ज्यादा वो खाना खा लेता है। अब अगला दिन जो आता है उसमें वो सोचता है कि कल तो मैंने ज्यादा खा लिया था तो अब पेट खराब हो गया है, तो मैं आज जो है फास्ट करूंगा। तो अभी भोग कर लिया जब इच्छा थी, लेकिन उसी के अगले दिन क्या कर लिया, त्याग कर दिया। तो ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें हम लोग क्या करते रहते हैं, भोग और त्याग में फंसे रहते हैं। तो देखते हैं भगवान इसके उत्तर में क्या बोलते हैं।
अर्जुन का क्या प्रश्न है, कर्म योग या कर्म संन्यास, यानी कि भक्तिमय कार्य या फिर कर्मों का त्याग। श्री भगवान वाच संन्यास कर्म योगस्य निःश्रेयस्कराहु भो तयो सुकर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्म दोनों ही उत्तम है। तो देखिए, मुक्त होने के लिए दोनों ही बराबर है। अगर कर्मों का परित्याग कर रहे हैं वो भी ठीक है, और कर्म भक्ति में कर्म कर रहे हैं वो भी ठीक है, दोनों से ही मुक्ति तो मिलेगी। लेकिन किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। तो कर्म के परित्याग से भगवान क्या बोल रहे हैं कि भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। तो अगर कोई व्यक्ति भक्तिमय कार्य करने में लगा हुआ है तो वो ज्यादा श्रेष्ठ है उससे जो व्यक्ति कर्मों का परित्याग कर रहा है। देखिए, ज्ञान का मतलब है ये जानना कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। ये महत्वपूर्ण है, ये जानना हमें बहुत जरूरी है, ये ज्ञान का वास्तविक मतलब है। और जब हम ये जान लेते हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, तो हमें क्या करना होता है, हमें क्या करना है कि हमें अपने आप को भक्तिमय कर्मों में लगाना है। यही होता है भक्ति युक्त कर्म। तो अपने नियत कर्मों को ना छोड़ के अपने नियत कर्मों के साथ में भगवान को जोड़ना है, वही भक्ति युक्त कर्म कहलाते हैं, वही भक्ति कहलाती है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं वैराग्य दो तरीके के होते हैं। एक तो नॉर्मल वैराग्य जो हम सब लोग जानते हैं, सभी जगह लिखा हुआ है कि वैराग्य मतलब कि विरक्ति, यानी कि सारी चीजों से विरक्ति कर लो, सबसे सारे इस संसार से विरक्ति करके कहाँ चले जाओ, एकांत में चले जाओ, और फिर वहां जाके जो है भगवान पे ध्यान लगाओ। एक वो वैराग्य, दूसरा वैराग्य जो भगवद गीता, जो कि भगवान हमें बता रहे हैं इस भगवद गीता में पूरी, वो है युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य का क्या मतलब होता है, युक्त वैराग्य का मतलब होता है कि कुछ भी छोड़ना नहीं है, किसी को भी त्यागना नहीं है, किसी का भी त्याग नहीं करना है, सिर्फ हमें जोड़ना है उसमें, युक्त वैराग्य। तो उसमें जोड़ना है, किसको जोड़ना है, भगवान को जोड़ना है। तो अपने सारे कर्मों में, हमारे नियत कर्मों में अगर हम लोग भगवान को जोड़ लेंगे तो वो हो जाएगा युक्त वैराग्य। और भगवान इसी के बारे में हम लोग को बता रहे हैं। इसलिए क्या बोल रहे हैं भगवान की, अर्जुन को ये भी बोले पिछले अध्याय में हमने देखा कि तुम युद्ध करो, मेरे लिए युद्ध करो, अपनी खुशी के लिए युद्ध मत करो, तो क्या होगा, तुम कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाओगे। तो वो कैसा कर्म हो जाएगा, भगवान के लिए किया गया कर्म कैसा कर्म हो जाएगा, भक्ति युक्त कर्म हो जाएगा, तो वो आध्यात्मिक कर्म हो जाएगा। और फिर उसके उससे मिलने वाला जो फल है वो हमें नहीं बांधेगा। देखिए, हम लोग बिना कर्म करे इस संसार में नहीं रह सकते, तो कर्मों का परित्याग करना तो हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है कर्म करना। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, इसलिए हमें ये करना होगा कि हम इसलिए हमें ये करना होगा कि हम क्या करें, अपने आप को सारे अपने कर्मों के साथ में, अपने कर्मों को कहाँ लेके, कहाँ किससे जोड़े, भगवान से जोड़े, भगवान की खुशी के लिए करें, भगवान की सेवा में करें, ना कि अपनी खुशी के लिए या फिर अपने इंद्रिय भोग के लिए करें। तो वास्तव में अगर हम लोग ऐसा अपनी अपने लिए ये सब कार्य करेंगे तो उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि हम लोग कर्मों के फलों से बंध जाएंगे, और ये बंधन हमें क्या करता रहेगा, जीवन मृत्यु या जन्म मृत्यु के चक्र में हमें घुमाता रहेगा। अगर हम लोग को जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना है तो वो हमारे लिए क्या होगा, एक ही उसका इलाज है, वो है कि हम लोग किसके लिए कर्म करें, माने कि बंधनों से मुक्त होना। और बंधनों से मुक्त हम लोग कब हो सकते हैं, जब भगवान के लिए, भगवान की खुशी के लिए कार्य करेंगे। भगवान बोल रहे हैं सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता एकम व्यास्थितः सम्य युग गुभर्यो विन्दते फलम। अज्ञानी ही भक्ति योग यानी कर्म योग को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी है वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भलीभांति अनुसरण करता है वह दोनों फल प्राप्त कर लेता है। तो देखिए, भगवान एक तरीके से ये नहीं बता रहे कि जो सांख्य योग है, तो सांख्य योग क्या है, सांख्य योग हमने देखा था दूसरे अध्याय का नाम एक सांख्य योग होता है। सांख्य योग मतलब क्या है कि सांख्य का मतलब होती है मुख्य बिंदु। मुख्य बिंदु यानी कि हम लोग को क्या जानने मिला था, उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये थी कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, ये सांख्य योग है। और कर्म योग क्या हो गया, अगर हमने जान लिया कि हम लोग क्या है, शरीर नहीं है, हम आत्मा है, तो हम किसके अंश हैं, भगवान के अंश हैं। तो हमें किसके लिए काम करना है, भगवान के लिए, हमें हमारा वास्तविक स्वभाव क्या है, भगवान की सेवा कर। तो ये जानना कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, ये सांख्य योग हो गया। और फिर भगवान की सेवा करने में लग जाना अपने कार्यों के साथ में, वो कर्म योग हो गया, वो भक्ति हो गया। तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। देखिए, जानने के बाद ही हम लोग कर्म योग के माध्यम से, तो अब अगर आपने ये भी जान लिया कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, तो भी हम लोग मुक्त हो सकते हैं। अगर आपने
ये जानने के बाद भक्ति कर ली तो भी मुक्त हो सकते हैं। तो दोनों ही जो है, दोनों में जो भगवान बताने जो ज्ञानी है वो दोनों से ही, दोनों में से किसी एक का भी पालन करके जो है मुक्त हो सकते हैं, फल को प्राप्त कर सकते हैं जो भी उनको चाहिए। लेकिन जो अज्ञानी होते हैं वही इन दोनों में क्या ढूंढते हैं, अंतर ढूंढते हैं। तो वास्तविकता में इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। जैसे अगर मैं एक उदाहरण देता हूँ कि अगर पेड़ है, एक पेड़ है, अब पेड़ पे फल आएंगे, पत्तियां आती है, ठीक है। अगर आपने बीज लगाया मान लो, तो अब वो जो पेड़ बनेगा उस पर फल और पत्तियां कैसे आएगी? अगर चलो आ गई, तो क्या आप फल में पानी देंगे तो फल उगेगा, या पेड़ों के पत्तियों में पानी देंगे तो वो हरी भरी रहेगी? नहीं। तो सांख्य योग क्या बोलता है? सांख्य योग से हम लोग क्या जानते हैं कि वास्तविकता में ज्ञान लेना, ज्ञान क्या बताता है कि पेड़ की अगर जड़ में पानी देंगे तो पेड़ क्या होगा, दूषित होगा। तो पेड़ की जड़ में पानी देने से, जड़ में पानी देना क्या हो गया, सांख्य योग हो गया एक तरीके से। और फिर जब हम लोग पेड़ की जड़ में पानी देने का कार्य करते हैं, यानी कि अगर हम लोग जड़ में पानी डालने लग गए, तो वो क्या हो गया, कर्म योग हो गया। तो इस तरीके से ही हमें अगर पता चल गया कि हम शरीर नहीं है, आत्मा, इसका रियलाइजेशन हो गया, और हम लोग फिर भक्तिमय कार्यों में लग गए, तो वो क्या हो जाएगा, भक्ति योग हो जाएगा। और भक्ति योग से हम लोग कहाँ है, इससे मुक्त हो सकते हैं इस संसार से, इस भौतिक संसार से। अब देखिए, ज्ञेय स नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो नि निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधान बंधात्म प्रमुच्यते। जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य संन्यासी जाना जाता है। भगवान ने क्या बोला, अब नित्य संन्यासी कौन है? तो नित्य संन्यासी कौन है, नित्य संन्यासी वो है जो कर्म फलों से घृणा करता है, ना तो कर्म फलों से घृणा करता है और ना ही कर्म फल की इच्छा करता है। तो ये भगवान पहले भी बोल चुके हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कराते हैं। तो हमारा कर्तव्य कर्म करना, कर्म के फलों के हम अधिकारी नहीं है। तो इसलिए भगवान भी यही बोल रहे हैं कि वास्तव में सन्यासी वही है जो नित्य है, नित्य बना रहेगा। वो कौन है, जो कर्म फल की कभी इच्छा नहीं करता, और जो कर्म फलों कर्मों से कर्म फल जो उसको मिल रहे हैं, वो अच्छे हों या बुरे हों, वो कभी भी उनसे घृणा नहीं करता। ठीक है, जो मिल जा रहा है उसमें वो खुश हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है, और कभी भी इच्छा इच्छा करके वो। हे महाभाव अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भवबंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। और भगवान बोल रहे हैं कि अगर कोई इस तरीके से कार्य करता है, मतलब कि वो सारे द्वंद्वों से मुक्त हो जाएगा। द्वंद्व मतलब क्या है कि लाभ हानि, मान अपमान, सुख दुख, अच्छा बुरा, ये सब क्या है, द्वंद्व है। ये भौतिक संसार में हमेशा बने रहेंगे, ये कभी भी समाप्त नहीं होंगे। तो अगर हम लोग इस तरीके से कार्य करेंगे जिसमें कि हमें कर्म फल जो मिल रहा है उसमें हमें कभी उससे घृणा नहीं होगी, ठीक है। इस तरीके से कार्य करेंगे कि हमें कोई कर्म के फल की जो इससे जो भी कर्म कर रहे हैं उसके मिलने वाले फल की कोई इच्छा नहीं है कि कैसा मिलेगा, ठीक है। तो वो वास्तव में नित्य संन्यासी की तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, इस जीवन को जी सकते हैं। तो देखिए, वास्तव में होता क्या है कि हम लोग बिना कर्म करे नहीं रह सकते, है ना। तो यहाँ पे भगवान ये बोल रहे हैं कि कर्म फल का त्याग करो, कर्म का नहीं। हम लोग क्या समझते हैं, कर्मों को त्याग दो, तो कर्म को तो हम लोग त्याग ही नहीं सकते। जैसे मैंने पहले भी, हम लोग ने इस पर चर्चा की थी कि जो व्यक्ति फालतू भी बैठा है वो भी एक तरीके से बैठना भी, फालतू बैठना भी एक तरीके से कर्म करना है। तो कर्म फल को त्याग सकते हैं, कर्म को नहीं त्याग सकते। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि हमारी आत्मा का क्या स्वभाव है, हमारी आत्मा का स्वभाव है कि वो बिना कर्म करे नहीं रह सकती। जैसे इसके उदाहरण कैसे इसको समझ सकते हैं, जैसे आपने चींटियां देखी है, चींटियां जो होती है वो एक कतार में चलती रहती है। अगर आप उनके आगे कुछ लगा देंगे उनको रोकने के लिए, तो वो क्या करेगी, अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगी, लेकिन वो रुकेगी नहीं, ठीक है। जैसे ही वैसे ही एक बच्चा है, बच्चा क्या है, बच्चे के हाथ में जब तक खिलौना होता है जब तक वो चुप रहता है, जैसे ही खिलौना छीन लेंगे वैसे ही वो रोने लग जाता है। तो वही स्वभाव आत्मा का भी है, आत्मा कभी भी कर्म करने से नहीं रुकी रुक सकती, वो हमेशा कर्म करती रहेगी, करती ही रहेगी। तो क्या करना है, हमें कर्म करना है, लेकिन कैसे करना है, कर्म फलों का त्याग करके, कि जो भी कर्म फल मिल रहा है उसको किसको अर्पित कर दो, भगवान को, ठीक है। जो भी कर्म हम लोग कर रहे हैं ये समझ के कर रहे हैं कि ये ड्यूटी है, और ये समझ के, और उसको कहीं ना कहीं ये ट्राई करके करना है हमें कि कैसे हम लोग भगवान से उसको जोड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर कोई व्यक्ति खाना बना रहा है तो उसको ये समझ ले कि अच्छा चलो हम भगवान के लिए भोग बना रहे हैं, और फिर जो प्रसाद होगा उसको हम लोग सब सबके साथ में मिल बांट के सेवन करेंगे। तो ये एक तरीके से हमारे कर्मों को क्या हो गया, एक भक्ति युक्त कर्म हो गया, आध्यात्मिक कर्म हो गया, जिससे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इस बंधन से, भवबंधन से क्या है, पूर्णतया मुक्त हो सकते हैं।
तो सबसे महत्वपूर्ण है कर्म फलों का त्याग, ना कि कर्मों का त्याग। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नापि न लिप्यते। भगवान ये बताने हैं कि जो भक्ति युक्त कर्म कर रहा होता है ना, वो क्या है, वो सर्वश्रेष्ठ तो बता दिया भगवान ने। तो भक्ति युक्त कर करने वाला क्या हो जाता है, वो विशुद्ध हो जाता है, एकदम शुद्ध हो जाता है, और वो अपनी इंद्रियों को जीत लिया होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो सारी, अब सारी इंद्रियों के किसके किसकी सेवा में लगा देता है, भगवान की सेवा में लगा लेता है। तो अब जब आप, हम लोग जब प्रयास करेंगे अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा करने में, तो क्या होगा कि हमें भी, हमें कोई भी, हमारे अंदर कोई भी इंद्रिय भोग की इच्छा रह नहीं जाएगी, और फिर हम लोग क्या है, उनको क्या कर सकते हैं, उन पे विजय पा सकते हैं। सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन अपि न लिप्यते, और वो सभी जितने भी जीवात्मा है, वो क्या है, सभी 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 को प्रिय हो जाता है, वो कभी भी किसी भी चीज से लिप्त बनता नहीं है। ठीक है, कर्मों के फलों से फिर वो बनता नहीं है। और ऐसा क्यों करना है हमें, ये भी तो जानना बहुत जरूरी है कि ऐसा हम लोग क्यों करें, उसका क्या रीजन है कि हम लोग सारा कार्य भगवान के लिए ही क्यों करें। तो एक चीज तो भगवान ने पहले ही बता दी कि नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, कि मुझे कोई कर्म फल की इच्छा नहीं और ना मुझे कोई कर्म बांधते हैं। तो अगर तुम भी मेरे लिए कर्म करोगे तो तुम भी कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाओगे। दूसरी चीज भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि ब्रह्मण न्यादाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम अम्बिसा। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित तो होकर अपना कर्म करता है, वो पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। तो भगवान दूसरी चीज यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अगर हम लोग कर्म फलों को भगवान के घर, भगवान को समर्पित कर देते हैं, यानी कि कर्म फल की इच्छा के बिना कार्य कर रहे हैं और जो फल मिल रहा है उसको भगवान को समर्पित कर दे रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है, सारे पाप कर्मों से कभी भी प्रभावित नहीं होता। तो आसपास जितने भी हमारे पाप कर्म हो भी रहे होंगे तो वो हमें कभी भी प्रभावित नहीं करेंगे। तो देखिए, इस भौतिक संसार में, कलयुग में तो हो ही रहे हैं, हर जगह जहां आप देखेंगे, वहां जहां आपकी नजर पड़ जाएगी वहां कहीं कुछ ना कुछ पाप कर्म हो ही रहे हैं। तो अगर हम लोग इस तरीके से कार्य करेंगे तो कभी भी जो भी पाप कर्म हो रहे हैं उससे कभी प्रभावित नहीं होंगे। किस तरीके से भगवान उदाहरण भी दे रहे हैं, उसी तरह, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की जब कीचड़ के बीच में कमल जो रहता है उसके पत्ते पे पानी कभी भी टिक नहीं पाता, वैसे ही हमारा भी है कि हम लोग कितना भी पापियों के बीच में रहे फिर भी हम लोग कभी भी उन पाप कर्मों से, वो जो पापी का पाप कर्म कर रहे हैं उनसे कभी भी प्रभावित नहीं होंगे। तो इसका एक सबसे अच्छी चीज ये हो गई, पहली चीज तो ये हो गई कि कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे, दूसरी चीज हो जाएगी कि सारे पापों से भी मुक्त हो जाएंगे। तो अब जब ये सब चीजें संभव हो जाएगी तो फिर हमारा यहाँ से, यानी कि इस संसार से, यानी जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त होना क्या हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। तो यहाँ आप देखेंगे उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूँ आपको कि प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए तो बहुत से लोगों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया था, क्योंकि उस समय अमेरिका की हालत बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो रखी थी, क्योंकि वहां पे सारे जितने भी लोग थे वो सब पाप कर्मों में लगे हुए थे। मतलब जितने भी जो हम लोग देखते हैं, नशा करना, ठीक है, जुआ खेलना, पराई स्त्री के साथ संबंध बनाना, ठीक है, मांसाहार का सेवन करना, तो ये सब जो है बहुत अधिक मात्रा में उस समय चल रहा था जब प्रभुपाद जी ने निर्णय लिया था। तो वो जो लोग करते थे उनको हिप्पी बोला जाता। तो जब प्रभुपाद जी ने ये निर्णय सबको सुनाया तो सारे लोग, उनके जो आसपास के लोग थे, वो बोलते हैं कि अगर आप जाएंगे तो आपको उनके जैसा बनना होगा, वो तो ये सब चीजें जानते नहीं, उनके जैसा ही बनना होगा तभी आप जो है वो उनको सिखा पाएंगे। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मैं उनसे सीखने नहीं जा रहा हूँ, मैं उनको सिखाने जा रहा हूँ। तो वो चले गए। अब चले गए तो उसके बाद जब वो वहां गए तो उन्होंने कुछ नहीं किया, वो क्या करते थे, एक गार्डन में जाके हरे कृष्ण महामंत्र का जो है कीर्तन करते थे। और देखिए उस कीर्तन की कितनी शक्ति थी कि वहां जितने भी नशे करने वाले लोग थे उन पे क्या असर होता था, आप खुद वीडियो में देखिए। Thank you.
तो आप देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी ये उदाहरण है पिछले वाले श्लोक का कि कैसे कोई व्यक्ति भगवान के लिए कार्य करते हुए भी जो है सारे पापियों से सारे पाप कर्मों से जो है मुक्त रहता है। तो प्रभुपाद जी उस जगह पे गए जब समय कि सब लोग पापी थे, उस समय पाप कर्म में लगे हुए थे, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी उनसे प्रभावित नहीं हुए। लेकिन प्रभुपाद जी जो हरिनाम कर रहे थे उस हरिनाम से सारे लोग प्रभावित हो गए, और जितने भी वहां पे पाप कर्मों में लगे हुए लोग थे वो सब क्या हो गए, शुद्ध हो गए। बहुत सारे लोग क्या बन गए, भक्त बन गए। बहुत सारे लोग जो अब देखिए वो लोग तो जानते ही नहीं थे कि कृष्ण क्या है, भगवान कौन है, कुछ नहीं जानते थे, वो सब तो नास्तिक थे, लेकिन फिर भी हरि नाम का कितना ज्यादा असर हुआ उनके ऊपर कि वो सभी लोग भक्त बन गए। ठीक है, सभी लोग जो है वो सही मार्ग को अपना लिए। तो ये एक तरीके से ट्राइड एंड टेस्टेड हो गया है, मतलब कि एक बार ट्राई करके भगवान प्रभुपाद जी ने इसको प्रूव कर दिया है कि इसमें कितना भी पापी आदमी क्यों ना हो, वो भी क्या है, वो आसानी से अगर जो हरि नाम लेगा शुद्ध हो जाएगा, और फिर उसको कोई भी आसपास जितने भी पाप कर्म क्यों ना हो रहे वो उसको प्रभावित नहीं करेंगे। तो उसके उदाहरण में एक और आता है कि हनुमान ने लंका को भगवान राम को भेंट के रूप में जलाया, उनकी शक्ति के प्रदर्शन के रूप में नहीं, वह अपने कर्म के फल से नहीं जुड़ता था, इसने उन्हें तुरंत प्रभु की अगली सेवा में शामिल होने के लिए सक्षम किया, क्योंकि उनकी हर सेवा हर सांस प्रभु की सेवा के लिए थी। तो जैसे हनुमान जी ने भी जब लंका में आग लगाई थी तो उन्होंने अपनी शक्ति दिखाई नहीं थी, उन्होंने किसके लिए किया, ये भगवान राम के लिए किया। क्यों, क्या दिखाने के लिए, कि उनका एक सेवक इतना शक्तिशाली है तो जब पूरी सेना आएगी तो क्या हाल होगा पूरी लंका को। तो अगर वो अपनी शक्ति दिखाना चाहते तो वो सीता मैया को लेके आ भी गए होते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने भगवान को जो भी कार्य किया वो भगवान को भेंट करते हुए किया, और इससे क्या वो भगवान बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए और उनको अगली सेवा में लगा दिया। क्यों, क्योंकि उनकी हर सांस क्या करती है, भगवान की सेवा में लगी रहती है। इसलिए भगवान को जो है किस भाव में हनुमान जी सेवा करते हैं, दास भाव में, इसलिए भगवान भी उन्हें किस भाव में सेवा देते हैं और कृपा देते हैं, दास भाव में ही कृपा देते हैं। तो जिस भाव में जो व्यक्ति सेवा करेगा, जिस भाव में जो व्यक्ति पूजा करेगा, भगवान भी उसी भाव में उससे क्या करेंगे, कृपा प्रदान करेंगे, उससे उसके साथ में प्रेम का आदान प्रदान करेंगे। इसलिए क्या है कि हमें भी अपनी उपलब्धियों को कृष्ण के चरण कमलों पर रखना चाहिए ताकि इसके लगाव से छुटकारा मिल सके, क्योंकि अगर उसके लगाव में हम लोग जितना ज्यादा उससे आसक्त रहेंगे, उसके पलों से उससे उतना ज्यादा क्या होगा, हम उससे बंधे रहेंगे, और बंधने का मतलब ये कि हम लोग इस भौतिक संसार में बंधे रहेंगे, कभी भी इस संसार से मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो क्या करना है, हमें चार चीजें हमें करनी है। ए एसोसिएशन, ए बी सी डी है। ए एसोसिएशन यानी साधुओं का संग करना है, बी भगवत गीता भागवतम या जो भी स्क्रिप्चर्स है हमारे वो पढ़ने हैं हमें, सी चैंटिंग करनी है, और डी प्रसाद खाना है। तो ये देखिए ये जो चार चीजें हैं ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और ये चार चीजें हमें क्या कर सकती है, हमें भक्ति मार्ग में आगे बढ़ाने के लिए सहायता प्रदान कर सकती है, क्योंकि इन चारों चीजों में सब कुछ है और यही भक्ति युक्त कार्य हो गया। आपको कुछ नहीं करना है, आपको मौका मिलता है जब भी आप भक्तों का संग करिए, ठीक है, डेली अपने 24 घंटे में से कुछ समय निकाल के भगवद गीता भागवतम पढ़िए, कीर्तन सुनिए, उनके लेक्चर सुनिए, ठीक है, शुद्ध भक्तों के मुख से। तो श्रवण करना बहुत ही जो भक्ति प्रोसेस है उसमें सबसे पहली स्टेज वो है श्रवण करना ही है। श्रवण करने मात्र से आदमी शुद्ध हो सकता है और वो मुक्त भी हो सकता है और वो भक्त भी बन सकता है। तो श्रवण करने के बहुत सारे फायदे हैं। और तीस है चैंटिंग। तो जैसे अभी हमने देखा कि प्रभुपाद जी ने जब इस हरिनाम को जब लोगों तक पहुंचाया, ऐसे हिप्पी लोगों को हिप्पी बना दिया, तो हम लोग भी उसको ट्राई करके देख सकते हैं। तो वो भी हमें अपने जीवन में जीवन का, और डाइट डाइट मतलब ये कि हमें जो भी खाना है हमें प्रसाद के रूप में ग्रहण करें, ना कि हम लोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करें। तो भगवान को भोग लगाएं और उसको फिर खुद से बनाएं पहले तो, और उसके बाद फिर भगवान को भोग लगाएं और फिर उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करें, ना कि बाहर से लेके आ गए और फिर उसको भोग लगा दिया, ऐसा नहीं। तो ये चीज हमें अपने जीवन में करनी है, जिससे कि क्या होगा, हम धीरे 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 हमारी जो हमारा मन है, हमारी जितनी भी हमारे मन के ऊपर या हमारी आत्मा के ऊपर जितनी भी लेयर जमी होंगी, ठीक है, काम की, क्रोध की, जितने भी बुरे कर्मों की, पाप कर्मों की, वो धीरे 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 समाप्त होती जाएगी और हम लोग शुद्ध होते जाएंगे।
विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनी सुनी चेव सपाके च पंडित समदर्शिना। अभी भगवान यह बता रहे हैं कि जो विनम्र साधु पुरुष होते हैं, जो वास्तव में जो शुद्ध भक्त होते हैं, उनके क्या लक्षण होते हैं, वो क्या किस तरीके से उनका दृष्टिकोण क्या होता है, कि उनके पास वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय हाथी कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि से देखते हैं। तो वो हर किसी को एक दृष्टि से देखते हैं, ना कि हर किसी को अलग अलग दृष्टि से देखते हैं। क्यों? क्योंकि वो किस स्तर तक पहुंच चुके हैं, वो आत्मा के स्तर तक पहुंच चुके होते हैं। शुद्ध भक्त क्या है, वो ये समझ जाते हैं कि ये जितने भी जीव, जितने भी इस संसार में प्राणी हैं, ये सब किसके अंश हैं, ये भगवान के अंश हैं, ये लोग क्या हैं, सभी आत्मा हैं, और हर किसी के हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में स्थित है। तो उनका नजरिया इस तरीके से होता है, इसलिए वो क्या करते हैं, वो एक ब्राह्मण को, एक गाय को, एक हाथी को, एक कुत्ते को और एक चांडाल को, जो कि कुत्ते खाने वाले होते हैं, उनको भी, सभी को समान दृष्टि से देखते हैं, किसी में भी भेदभाव नहीं करते, सबके साथ में करुणा दिखाते हैं। तो ये एक तरीके से शुद्ध भक्ति के लक्षण बताए हैं। तो देखिए, हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है ये सब चीजें, लेकिन हम लोग प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि प्रयास करने में हमें कोई भी हानि नहीं है। इसलिए भगवान आने वाले अध्याय में हमें बताएंगे कि अभ्यास है ना, कौन थे अभ्यास करो, जरूरी नहीं है कि एक ही बार में ये चीज आ जाएगी, कई जन्म भी लग जाएंगे हमको, क्योंकि हमारे पिछले कर्म पता नहीं कैसे है। तो अभ्यास अगर हम लोग करते रहेंगे तो हमारे स्मरण में बना रहेगा, अगर अभ्यास नहीं करेंगे तो वो स्मरण से हमारे चला जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। यही संस्पर्श जा भोगा दुख यो न एव ते आद्यंतवंत कौन ते अनुते शूरम ते बुधा। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। तो देखिए यहाँ पे क्या बता रहे हैं भगवान, कि अगर हम लोग अपनी अपने लिए कार्य करेंगे, यानी कि अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए, भौतिक इंद्रियों के संपर्क में आके जो भी उनसे इच्छाएं प्रकट हो रही है उसको पूरा करने के लिए अगर हम लोग कार्य करेंगे, तो वो हमारे दुखों का कारण ही बनेगा। ठीक है, वो ऐसा नहीं हमें परम सुख प्रदान करेगा, ठीक है, वो हमें दुख ही देगा एक समय। तो कुछ समय के लिए आप खुशी होगी आपको, और फिर अगर खुशी हो रही है तो ये समझिए कि 100% हम लोग को दुख भी आएगा ही आएगा। तो द्वंद्व क्योंकि संसार में लगा रहता है, तो खुशी आ रही है तो दुख आएगा, दुख आ रहा है तो खुशी भी आएगी, कोई भी चीज शाश्वत नहीं है। तो जो जो चतुर व्यक्ति होते हैं, जो विद्वान होते हैं, जो कि ये चीज जानते हैं, जो ये चीज को आत्मसात कर चुके हैं, वो क्या करते हैं, वो ऐसे क्षणिक आनंद का भोग नहीं करते हैं, वो इसमें कोई आनंद नहीं लेते इन छोटी छोटी चीजों में, क्योंकि उनको पता है कि अगर इस आनंद का शुरुआत है तो इसका अंत भी निश्चित है, तो इसलिए ये लोग नहीं करते हैं। अब देखिए, ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हमारे साथ है, ये सभी जीव जंतु जितने भी देख रहे हैं सबके साथ में ये होता है। तो यहाँ उदाहरण है, जैसे कि आप, जैसे कीट पतंगे, तो जो छोटे छोटे कीट पतंगे होते हैं, अगर आपने देखा होगा कि बारिश के समय पे ये लोग क्या करते हैं, ये आकर्षित होते हैं लाइट से, तो इनकी आंखें जो है वो क्या इंद्रियां हैं एक तरीके से, तो वो इंद्रियां जो है वो क्या करती है, वो आंखें जो है वो आकर्षित होती है लाइट से, वो लाइट के पास जाते हैं ये बात। और कई बार तो ऐसा हो जाता है कि लाइट के पास जाते हैं आनंद भोगने के लिए, अपनी आंखों को तुष्ट करने के लिए, लेकिन कई बार उनको करंट लग जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो स्टार्टिंग में तो उनको आनंद मिला, लेकिन अंत कैसा हो गया उनका, दुख दुख ही दुख हो गया, क्योंकि मृत्यु हो गई उनकी। वैसे ही देख लीजिए, जो हिरण होता है, हिरण को क्या है, एक तरीके की आवाज बहुत पसंद होती है, तो जो शिकारी होते हैं क्या करते हैं, उसका फायदा उठाते हैं, वो आवाज वो निकालना सीख लेते हैं और वो आवाज निकालते हैं। अब हिरण जो है अपने कानों को तुष्ट करने के लिए, अपने मन को तुष्ट करने के लिए क्या करता है, उस जहां से आवाज आती है उसकी तरफ भागता है, और जो भागता जाता है और वो शिकारियों के चंगुल में फंस जाता है और फिर उसका शिकार हो जाता है। तो स्टार्टिंग में तो उसको बहुत खुशी हुई कि उसको बहुत आनंद आ रहा था वो आवाज सुनते सुनते, लेकिन अंत कैसा हुआ, दुखों का कारण बन गया। वैसे ही भौरा है, भौरा क्या करता है, भौरा भी यही करता है कि कमल के फूल पे जाके बैठता है, वो तो अब कीचड़ में होता है, लेकिन वो फूल से रस पीता रहता है, पीता रहता है, क्योंकि बैठने की जगह होती नहीं है, तो पीता रहता है, पीता रहता है, और थक जाता है, और कहाँ गिर जाता है, कीचड़ में जाके उसकी मृत्यु हो जाती है। तो वही स्टार्टिंग में आनंद होगा और अंत में क्या हो गया, उसका मृत्यु हो गई। वैसे ही मछली है, मछली को क्या है, खाने खाने का बहुत, तो वो हमेशा क्या करती है, अपने जिह्वा को तुष्ट करने के लिए, उसकी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए कहीं भी देखो खाती रहती है, कुछ भी डालो आप खाती रहेगी। और शिकारी जो होते हैं मछुआरे, वो क्या करते हैं, इसी का फायदा उठाते हैं। मछुआरा क्या करता है, कांटे में कुछ खाने का हिस्सा लगाता है और वो डालता है कांटा, और मछली उस खाने को देख के आती है और वो उस कांटे में फंस जाती है, उसका शिकार हो जाता है।
तो अगर हम लोग इंद्रियों का भोग करने में लगे रहेंगे तो इस तरीके से हमें भी क्या है, दुख ही दुख मिलेंगे। वैसे ही हाथी भी है, हाथी भी क्या करता है, हाथी को भी खाने का बहुत वो रहता है, ठीक है, तो अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए खाता रहता है, इधर उधर भागता रहता है खाने के लिए। तो जो शिकारी होते हैं वो क्या करते हैं कि गड्ढा करते हैं, उसके ऊपर जो है सारी झाड़ियां बिछा देते हैं कि गड्ढा दिखे ना, और उसके आगे खाना रख देते हैं, और वो हाथी उस खाने को लेने के लिए आता है और उस गड्ढे में कूद जाता है, तो वो क्या कर लेते हैं, उसका शिकार हो जाता है। तो आप यहाँ पे देखने, बोलने का मतलब ये है कि छोटे से छोटे जीव से लेके बड़े से बड़े जीव यानी कि मनुष्य तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि दुख नहीं झेलता। अपनी इंद्रियों के भोग में जो भी लगा रहेगा वो दुख झेलेगा ही झेलेगा। तो इसलिए भगवान हमें यहाँ पे बता रहे हैं कि अपने लिए, अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए कार्य मत करो, अगर तुम मेरे लिए कार्य करोगे तो उससे भी क्या होगा, उससे भी हम लोग को संतुष्टि मिलेगी, और जो मिलने वाले क्षणिक सुख हैं वो क्या हो जाएंगे, हमें उससे कोई फायदा, उसमें उसमें कोई रुचि नहीं रह जाएगी हमें। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये जो सुख मिल रहा है ये कुछ समय तक की है, इसके बाद फिर ये दुख में कन्वर्ट होता है। तो इसलिए हमें वास्तव में कार्य किसके लिए करना है, भगवान के लिए करना है, जिससे कि हम लोग क्या है वास्तविक सुख को अंत में प्राप्त कर पाए। तो यहाँ देख सकते हैं आप, कोई पैसे कमाने में लगा हुआ है, चोरी करने में, ठीक है, धोखाधड़ी करने में, मारपीट करने में, ठीक है, तो इस तरीके के कार्य में हर कोई जो है वो लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि सबको अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना है, और इसका कारण क्या होता है, इसका परिणाम क्या होता है, इसका परिणाम यही होता है कि वो दुख ही दुख प्राप्त होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है इस पूरे भगवद्गीता का भी, सबसे प्रैक्टिकल श्लोक भी है, क्योंकि हम सब लोग बार बार यही बोलते हैं कि अगर सारी चीज भगवान पहले से बता चुके हैं तो इस संसार में भाईचारा क्यों नहीं आ रहा है, क्यों आज भी एक देश दूसरे देश से लड़ता रहता है, क्यों हमारे अंदर जो है वो किसी के प्रति सही चीज हम लोग नहीं सोच पाते हैं, एक दूसरे से हम लोग लड़ाइयां क्यों कर रहे हैं। तो वो उसका उत्तर ये है कि अगर हम लोग इस श्लोक के ऊपर अगर पूरी दुनिया अगर चलने लग जाएगी तो कभी भी किसी भी तरीके की लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, सभी लोग भाईचारा की तरह भाईचारा के साथ में रहने लगेंगे, कोई भी एक दूसरे से घृणा नहीं करेगा, कोई भी एक दूसरे से जो है ईर्ष्या नहीं करेगा, और सब सब एक दूसरे के साथ में मिलकर जो है वो रहेंगे। तो वो क्या श्लोक है, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूरिदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। इसको प्रभुपाद जी बोलते हैं ये एक तरीके से शांति सूत्र है कि इस भौतिक दुखों से हम लोग कैसे शांति प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि संसार तो दुखालय है, दुखों का घर है, तो हमें इस संसार में दुखों के साथ तो रहना ही है, लेकिन फिर भी इनके साथ में रहते हुए भी हम लोग कैसे शांति लाभ प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में बताया भगवान ने। कि भगवान बोल रहे हैं भोक्ता नाम यज्ञ तपसाम, सारे यज्ञों का तपस्याओं का परम भोक्ता मुझे मानो। भगवान क्या बोल रहे हैं, मैं समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता हूँ। हम लोग क्या समझते हैं कि जो भी कार्य हम कर रहे हैं उसका भोक्ता हम ही है, जो भी पैसा हम कमा रहे हैं उसका भोक्ता हम है, भोग हम करेंगे क्योंकि हमने अपनी मेहनत से कमाया, ये सब क्या अहंकार है, ठीक है। आगे आने वाले अध्याय में भगवान सारी चीजें बताएंगे कि हम में बुद्धि कौन देता है, हमें अगर कोई तेज तेजस्वी है तो उसको तेज कौन देता है, कोई बुद्धिमान है तो उसकी बुद्धि कहाँ से आती है, तो ये सब भगवान हमें, स्मृति हमारी याददाश्त कौन कहाँ से आती है, ये सब भगवान आगे आने वाले सब अध्याय में बताएंगे कि ये सब मुझसे आता है। फिर भी हम लोग अहंकार वश अहंकार अभिमूढ़ आत्मा करता रहा भी मनते, यानी कि मूर्खतावश हम लोग अहंकार करते हैं और ये समझ बैठते हैं कि जो भी चीज मैं कमा रहा हूँ, जो भी चीज मैं अपने से कर रहा हूँ, अपनी मेहनत करके कर रहा हूँ, वो सब क्या है, मैं ही उसका भोगता हूँ और कोई भी भोगता नहीं है, कोई दूसरा भोगता नहीं है, सिर्फ मैं ही भोगता। तो ऐसे से क्या होगा, ऐसे में दुख होगा, क्यों, ऐसे में हम लोग को आगे क्या मिलेगा, दुख ही दुख मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर वो चीज हमसे छूट जाएगी, चली जाएगी, तो हम परेशान हो जाएंगे, टेंशन में आ जाएंगे, और फिर क्या होगा, उससे उसके परिणाम है कि डिप्रेशन, एंजाइटी, आत्महत्या करेगा, और ये सब उसके परिणाम होंगे। इसलिए भगवान हमें क्या बता रहे हैं, अगर शांति प्रिय जीवन जीना है तो ये मान लो क्या कि ये सही है, इस संसार में सब कुछ किसका है, भगवान का है, तो इसलिए परम भोक्ता कौन है, भगवान है और कोई नहीं है। दूसरी चीज भगवान बता रहे, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर मैं हूँ, सर्वलोक महेश्वरम। अभी हम लोग क्या करते हैं कि जो चीज चाहिए हमें उस देवी देवता की हम लोग पूजा करने में लग जाते हैं, और जो हमें फल प्राप्त हो जाता है तो हमें क्या लगता है कि हाँ यही भगवान है, तो हम लोग ऐसे बांट दिए सब,
तो उससे क्या होगा, उस बांटने से ये हो रहा है कि हम लोग अलग अलग चीजों में लगे हुए हैं और कोई भी व्यक्ति सही चीज में नहीं लगा हुआ है। सब चीज सब लोग क्या कर रहे हैं, फलों को प्राप्त करने में लगे हुए हैं। इससे ये मिलने वाला फल है, उससे वो मिल रहा है फल, और भगवान ने भी बता दिया कि ये जो फल मिल रहे हैं ये सब क्या है, क्षणिक है, और ये क्या करेंगे हमें संसार से बांधेंगे। शुरुआत में तो आनंद देंगे, बाद में दुख ही दुख, दुखों का कारण बन जाएंगे। तो इसलिए हमें क्या है, भगवान ये बता रहे कि मैं ही सारे लोगों का और सारे देवी देवताओं का परमेश्वर हूँ। तीसरी चीज बोल रहे हैं, समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति प्राप्त कर सकता है। सूरिदम सर्वभूतानाम, सूरिदम सर्वभूतानाम यानी कि मैं सबका प्रिय मित्र, हितैषी मित्र हूँ। तो हितैषी मतलब क्या होता है, जो कि हमारे सबके हित में सोचता है। तो सही, कई बार क्या होता है, लोगों को लगता है कि भगवान मेरे साथ हमेशा बुरा करते हैं। ये कई बार लोगों के साथ बुरा होता रहता है ना, कि कभी भी उनके साथ अच्छा नहीं हो रहा है, तो हर क्षण कुछ ना कुछ गलत हो रहा है उनके साथ। तो वो लोग सोचते हैं भगवान ही सब कुछ कर रहा है। कई बार अगर आपने देखा होगा कि कई जगह गलत कार्य हो जाता है मंदिरों के आसपास, और बोलते हैं कि भगवान आए क्यों नहीं आपके, जब भगवान सबके हितैषी हैं। तो वास्तव में हमें ये समझना होगा कि भगवान कभी भी हमारा बुरा नहीं सोचता है। ठीक है, भगवान हमारे पिता हैं। आगे आने वाले अध्याय में भगवान बताएंगे, पिता अमस्य जगतो माता धाता पितामह, मैं ही तुम्हारा पिता माता पितामह आश्रय दाता सब कुछ मैं हूँ। तो आप कुछ खुद सोचिए कि कोई पिता अपने बेटे के बारे में कैसे बुरा सोच सकता है। तो भगवान भी कभी भी हमारे बारे में बुरा नहीं सोचते। हमारे हित के लिए ही जो भी होता है सब कुछ सोचा जाता है, या फिर जो भी कार्य हम लोग करते हैं वो शायद भगवान के प्लानिंग का एक हिस्सा होता है, जो कि वो हमारे हित के लिए होता है। लेकिन अगर हमारे साथ बुरा हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो हमारे कर्मों के फल जो हैं आड़े आ रहे हैं। हमने जितने गलत कर्म किए हैं उसका फल तो हमें भोगना पड़ेगा, और उसमें भगवान कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। हाँ, ये कर सकते हैं कि अगर हम लोग भगवान की शरण में हैं तो भगवान हमें इतनी शक्ति दे सकते हैं कि हम लोग उसको आसानी से झेल जाए और उसका पता भी नहीं चले कि वो कब आ गया और कब चला, बुरा समय हो। तो इसलिए भगवान कभी भी हमारे बारे में गलत नहीं करते, या फिर भगवान कभी भी ऐसा कोई चीज नहीं देते हमें कि जो हमारे हित के लिए नहीं होती। सबे सदैव हमारे हित के लिए ही सोचते हैं। तो ऐसा बोला जाता है ना कि हमारी प्लानिंग जो होती है, हम जो प्लानिंग करते हैं वो वर्तमान को सोच के करते हैं, लेकिन भगवान जो प्लानिंग करते हैं वो भविष्य को सोच के करते हैं। तो वो भविष्य जानते हैं, तो वो भी भगवान बताएंगे कि मैं भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल सब जानता हूँ। तो इसलिए भगवान हमारे भविष्य को देख के वो प्लानिंग कर रखे हैं हमारे जीवन की, ना कि हम लोगों जैसे कि हम लोग वर्तमान को देख के प्लानिंग कर रहे हैं। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति इन तीनों चीजों को समझ जाता है, इन तीनों के हिसाब से अगर ये पूरा संसार चलने लग जाता है कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूरिदम सर्वभूतानाम, तो उससे क्या होगा, त्वमहं शान्ति मृच्छति, इस भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो सोने की ईट होती है, ठीक है, प्रभुपाद जी बताते हैं कि सोने की ईट एक मूल्यवान, सोने की एक ईट बहुत मूल्यवान है, और इसे कागज के वजन के रूप में उपयोग करने से बेहतर उद्देश्य के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार बहुमूल्य मानव जीवन के सांसारिक अर्थ भोग के बजाय वास्तविक सुख प्राप्त करने के लिए किया जाना चाहिए। तो देखिए, 84 लाख योनियों से हम लोग निकल के आए हैं, ठीक है, और 84 लाख योनियों में से हम लोग को भगवान ने, मतलब हमारे ऐसे अच्छे कर्म रहे होंगे कि हम लोग को मनुष्य योनि मिली। मनुष्य योनि इन सभी योनियों में सबसे ऊपर होती है। तो अगर हमें ये मानव जीवन मिला है तो उसका हम लोग व्यर्थ नहीं गंवाना है हमें, क्योंकि अगर हम लोग भी जानवरों जैसा ही आहार, निद्रा, भय और मैथुन में लगे रहेंगे तो हमें और जानवरों में कोई भी अंतर नहीं। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक तरीके से अपने इस बहुमूल्य मानव जीवन का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो इसलिए भगवान बता रहे हैं और प्रभुपाद जी बताते हैं कि इसका उपयोग सांसारिक अर्थ भोग के लिए ना करके हमें क्या करना चाहिए, भगवान की सेवा में करना चाहिए। तो हमारे नियत कर्मों के साथ साथ अगर हम लोग भगवान के लिए भी कार्य करेंगे, धर्म को जानने की जिज्ञासा करेंगे, तो वो सही उपयोग होगा। जिस तरीके से सोने की अगर एक ईंट को अगर हम लोग पेपर के ऊपर रखने के लिए प्रयोग करें, पेपर उड़ रहा है उसके ऊपर रखने के लिए प्रयोग करें, तो कितनी बेवकूफी होगी, क्योंकि सोने की ईंट का और भी जगह प्रयोग किया जा सकता है, उसका सही ढंग से बेहतर उद्देश्य के लिए उपयोग किया जा सकता है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग उसको एक तरीके से बस वजन के रूप में यूज कर रहे हैं, तो वो गलत है। इसलिए हमें भी अपने जीवन का है बहुत बहुमूल्य
सोने की ईंट की तरह, इसलिए हमें उसको सही उद्देश्य के लिए, बेहतर उद्देश्य के लिए उपयोग करना चाहिए, ना कि उसका दुरुपयोग करना चाहिए सांसारिक भोग करने के लिए। तो इस मानव शरीर का उचित उपयोग करना है हमें। और अंत में प्रभुपाद जी बताते हैं कि यह पांचवा अध्याय कृष्ण भावनामृत की, जिसे सामान्यतया कर्मयोग कहते हैं, व्यवहारिक व्याख्या करता है। तो यहाँ हमने देखा है कि भगवान ने सारे प्रैक्टिकल तरीके से इस कर्म योग को, कर्म संन्यास योग को हम लोग को समझाया। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्म योग से मुक्ति किस तरह प्राप्त होती है। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का अर्थ है भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता। प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत भक्ति योग है और ज्ञान योग वो पथ है जिससे कि भक्ति योग प्राप्त किया जाता है। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना, और इस चेतना की पूर्णता का अर्थ है कृष्ण या भगवान का पूर्ण ज्ञान। तो हमने कल भी इस पर चर्चा की थी कि कृष्ण भावनामृत का क्या अर्थ है, ये जानना कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, ये ज्ञान हो गया। और फिर उस ज्ञान के साथ में हमारे ये जानना कि भगवान कौन है, भगवान कौन है, उसके बाद ये जानना कि भगवान और हमारे बीच का संबंध क्या है। तो जब हम लोग ये सब जान लेते हैं वो पूर्ण ज्ञान हो जाता है। और जब हम लोग पूर्ण ज्ञान के साथ में कार्य करते हैं भगवान के लिए, भगवान की सेवा में कार्य करते हैं, तो वो भक्ति, भक्ति युक्त कर्म हो जाते हैं। और यही पूरी प्रोसेस कृष्ण भावनामृत। शुद्ध जीवन भगवान के अंश रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है। वो माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है और यही उसके कष्टों का मूल कारण बन जाता है। जैसा कि हम लोग देखें कि पहले भी देख चुके हैं कि जो आत्मा है वो क्या है, वो एक तरीके से भगवान का अंश है, यानी कि भगवान की सेवक है। और जब आत्मा इस भौतिक संसार के संपर्क में आता है, इस भौतिक शरीर के संपर्क में आता है, तो वो ये भूल जाता है कि वो क्या है, शरीर नहीं है, और वो क्या है, वो ये भूल जाता है कि वो आत्मा है। और वो ये मान बैठता है अपने आप को कि वो शरीर है, और उससे क्या हो जाता है, वो इस सांसारिक भोग को करने में जुट जाता है। और ये सब करने से उसके अंदर अहंकार आ जाता है, और अहंकार वश वो ये समझने लगता है कि सारे कार्य मेरे द्वारा ही हो रहे हैं, अहंकार विमुख। और यही उसके आगे जाके क्या बनता है, दुखों का यानी कष्टों का मूल कारण बनता है। तो जब तक वो पदार्थ के संपर्क में रहता है उसे भौतिक आवश्यकताओं के लिए कर्म करना पड़ता है, किंतु कृष्ण भावनामृत उसे पदार्थ की परिधि में स्थित होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले जाता है, क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट हो सकता है। तो अगर हम लोग भी अगर जैसे करते रहेंगे, अगर अब जैसे हम लोग आ ही गए, हम लोग को भौतिक शरीर प्राप्त हो ही गया है, तो फिर हम लोग क्या करें, उसका सदुपयोग करें, उसका सही जगह पे उपयोग करें। अगर हम लोग सेवा में लगाएंगे तो धीरे 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 हम लोग क्या है कि अपने आप को ये जान पाएंगे कि हम लोग शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और हमारा स्वभाव ही है सेवा करना भगवान की, और हमने दिव्य स्वरूप को अपने पहचान रहे। तो यहाँ पे उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी की, जैसे एक अगर कोई जंग लगा हुआ, तो मतलब ऐसा होता है ना कि कई सालों तक अगर किसी चाकू का आप यूज नहीं करो तो उस पर जंग लग जाता है, लेकिन अगर आप फिर से उसको अच्छा तो उसकी धार को तेज कर लें तो वो फिर से प्रयोग कर सकता है, तो उसका वास्तविक स्वरूप फिर से निकल के आ जाएगा, अगर हम लोग उसको सही से साफ सफाई करके उसमें धार ले लें। तो वही है कि हमारा भी शरीर पर जंग लग गया है एक तरीके से, हमारी आत्मा के ऊपर कहीं कहीं चुकी है, परतें जम चुकी है, और उसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, भगवान की भक्ति करके। तो भगवान का नाम जब तक जप करेंगे हम लोग, भगवान के लिए सेवा करेंगे, भगवान के लिए कार्य करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, तो क्या होगा, धीरे 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 वो सारी जंग जो है, सारे सारे साफ सारे पाप कर्मों की जो लेयर जमी हुई है, धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, और हम भी क्या हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे और अपने दिव्य स्वरूप को पुनः प्रकट करेंगे। तो ये अध्याय हमारा यही समाप्त होता है। तो यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं कि हमारी जो इंद्रियां हैं, आप हम लोग किस तरीके का यूज कर रहे हैं, आजकल लोग जो है इस तरीके का, देखिए सिगरेट पीना एक उदाहरण है, मतलब हम लोग गलत तरीके से यूज कर रहे हैं उसको, या तो सिगरेट पी रहे हो या फिर और भी कुछ गलत कार्य कर रहे हैं। तो हाथों के बारे में जैसे बताया यहाँ पे, तो हमारी जो इंद्रियां हैं, हाथ, ठीक है, आंख, नाक, कान, ठीक है, जिह्वा, ये सब क्या है, हमारी इंद्रियां हैं, त्वचा। तो इससे अगर हम लोग कार्य कर रहे हैं, तो अगर भौतिक कार्यों में लगे हुए हैं तो वो हमारे क्या है, दुखों का कारण है। भगवान बोल रहे हैं एक बार ये ट्राई कर सकते हैं आप, कि आप अपने इंद्रियों को मेरी सेवा में लगाओ, रोज सुबह मंगल आरती करो, ठीक है, हरि नाम का जप करो, सुनो, डांस करो, कीर्तन करो, ठीक है, और नाचो कीर्तन पे, ये सब कर सकते हैं हम लोग अपनी इंद्रियों से। अगर ये करेंगे तो उससे बहुत ज्यादा लाभ होगा। अब भगवान लालित में क्या बोल रहे हैं कि यथे इच्छे से तथा, तुम्हारी इच्छा तुमको जो करें,
ठीक है, देखिए भगवान हमें किसी भी चीज को करने के लिए फोर्स नहीं करते हैं। कई बार ऐसा लगता है वो कि भगवान हमें फोर्स करते हैं, नहीं, भगवान ने हमारी हमें एक सूक्ष्म इच्छा दी है और उस इच्छा का प्रयोग हम लोग के ऊपर रहता है कि हमें उसको उसका सदुपयोग करना है या उसका दुरुपयोग करना है। देखिए अंत में 18वें अध्याय में जब पूरी भगवद गीता समाप्त हो जाएगी तो भगवान अर्जुन को भी यही बोलेंगे कि मैंने तुम्हें सब कुछ सारे पहलुओं के बारे में बता दिया है, अब यथेच्छसि तथा करो, तुम्हारी जैसी इच्छा है तुम करो, तुम्हारा इच्छा है युद्ध करने की तो करो, नहीं करने की है तो कोई मैं तुम्हें फोर्स नहीं। तो भगवान हमें सिर्फ क्या है अच्छी और बुरी चीजों के बारे में बता देते हैं, अब हमारी इच्छा है कि हमें अच्छी चीज चुनना है या बुरी चीज चुनना। आप लोग भी अब इस पे विचार कर सकते हैं कि आपकी क्या इच्छा है, आपको क्या क्या करना है। तो हमारे ये अध्याय यही समाप्त होता है, और अगर किसी का कोई प्रश्न है।